ये बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को 42% के बदले अब केवल 32% इस्तेमाल मिलेगी। 11% पर लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपनी सरकार भी बना रहे हैं। केंद्र को 42% राशि राज्यों को देनी होगी। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन के द्वारा 51,000 करोड़ रुपए देती है, बिहार 53,000 करोड़ देती है और बिहार को 81,000 करोड़ देती है। एक तो वो 11 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपनी सरकार भी बना रहे हैं। एनके सिंह उनके थे, वह 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। एनके सिंह ने क्यों नहीं, अगर 14 फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो एनके सिंह तो उनके सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं रेकमेंड कर दिया। पहले 32% राशि केंद्र को मिलती थी, केंद्र के द्वारा राज्य को मिलती थी। अब 42% लाइव कर दिया। एक मिनट राजीव जी, सॉरी, केंद्र को 42% राशि राज्यों को देनी होगी और इसलिए 42% राज्य देगा। उसके बावजूद भी अगर उठा के आप देखिए तो हमसे ज्यादा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा 51,000 करोड़ रुपए देती है, बिहार 53,000 करोड़ देती है और बिहार को 81,000 करोड़ देती है। अर्थात महाराष्ट्र हमसे बड़ा होने के बावजूद भी 30,000 करोड़ हम बिहार को केंद्र सरकार ज्यादा देती है। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, वह दे रही है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि ये जो दिगवाड़ा से रक्सौल, दिगवाड़ा से कलकत्ता का जो हाईवे बन रहा है, गंगा हाईवे बन रहा है, बेतिया से पटना का बुधा हाईवे बन रहा है, गया का जो फोर लेन बन रहा है, लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, बिहार के लिए जो टेक्सटाइल पार्क के लिए बिल्ड किया गया है, इन सब कार्यों को करें और राज्य अच्छे से चलाएं। जो चीज के बात ही खत्म हो गई, अगर 32, ये क्या प्रधान नीतीश ये बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को 42% के बदले अब केवल 32% इस्तेमाल मिलेगी। 42% हम राज्यों को देते हैं, उसके बाद केंद्र अपनी सारी योजनाएं चलाता है। हर राज्य की योजना में केंद्र अपनी हिस्सेदारी अलग से 40%, 60%, 75% देता है। उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं में बिहार को अलग से पैसा दिया जाता है। नीतीश जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो राशि केंद्र सरकार से मिली है उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि ये जो 1,00,000 करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क और सड़कें और जो टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं जो बिहार को मिली हुई है वह जानबूझ कर नहीं ले, जमीन ही वो उपलब्ध नहीं कराए और फिर से पुराने दशक की तरफ बिहार को नहीं।